हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। आज मैं आपके लिए एक आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें गर्मियाँ चल रही हैं और मैंगो का सीजन भी है और मार्केट में बहुत ज़्यादा मैंगो आ रहे हैं, तो आप मैंगो शेक अच्छी सी रेसिपी बना सकती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मैंगो शेक बनाना बताऊँगी। आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से मैंगो शेक बना सकती हैं, वो भी बिना मिक्सी के। और अगर मिक्सी है, लाइट नहीं आ रही है, आपका मैंगो शेक पीने का मन है, तो आप बिना लाइट के भी घर पे मैंगो शेक बना सकती हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि बिना मिक्सी के और मैंगो शेक आप घर पे कैसे बना सकती हैं। ये देखो, मैंने मैंगो शेक बनाए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही मैंगो शेक बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मैंगो शेक बनाना शुरू करते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पके हुए आम लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये आम छील लेंगे। तो हमें आम अच्छे से छील लेना है। ये मैंने आम यहाँ पे छील लिए हैं और अब इन्हें हमें बिना मिक्सर के बनाना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तब भी आप मैंगो शेक बना सकती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने कद्दूकस कर लिया है और फिर इसे हम ऐसे इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। तो ऐसे घर पे हम बिना मिक्सी के भी मैंगो शेक बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसे हमें आम कद्दूकस कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने आम ये कद्दूकस कर लिया है और अब यहाँ पे हमें एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें हम मैंगो को ऐसे डाल लेंगे। और फिर हमें एक मथानी लेनी है, ये हमारे पास मथानी है, इसे अच्छे से हम आम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। ऐसे मिक्स करने के बाद इसमें हम 4-5 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। हमें यहाँ पे पिसी हुई चीनी लेनी है, पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच है पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मथानी से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो जाती है तो हमें पिसी हुई चीनी ही डालनी है इसमें। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे यहाँ पे। तो हमें 1 कप दूध डालना है इसमें और दूध को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध ठंडा ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ठंडा दूध आम में मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसे मथानी से मिक्स कर देना है और इसके बाद में हम यहाँ पे बर्फ डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा मैंगो शेक बहुत ही ठंडा बनेगा। तो ऐसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिए हैं और इसमें हम पहले थोड़ी बर्फ डालेंगे, थोड़े से कटे हुए बादाम और सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ इसमें हम डालेंगे। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे मैंगो से ऐसे ग्लास में डाल लेना है और इसके ऊपर से भी हम कटे हुए बादाम डालेंगे। सूखा नारियल डालेंगे
फ्रेंड्स ये देखो हमारा मैंगो शेक बनके रेडी हो गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा। तो आप घर पे बहुत ही सरल तरीके से ऐसे मैंगो शेक बना सकती हैं, वो भी बिना मिक्सी के और बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे मैंगो शेक बनाइए घर पे और इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।